हमारे दिल्ली सरकार में डॉक्टर थे और कोरोना के मरीजों का उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इलाज किया और पिछले 3-4 महीने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी मशक्कत की, लोगों की खूब सेवा की और लोगों की सेवा करते करते उनको भी कोरोना हो गया और उसी बीमारी में हम उन्हें बचा नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत का हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत गम है, लेकिन पूरे दिल्ली के लोग उनकी इस शहादत को सलाम करते हैं। उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, अभी मैं उनके परिवार से मिल के आ रहा हूँ और हमने उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी है। वैसे तो किसी की जान की कीमत नहीं होती, लेकिन ये एक छोटा सा राशि है जो कि उनको ये कह रहे हैं हम लोग कि भाई हम आपकी परवाह करते हैं और पूरी दिल्ली और पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। और मैंने उनको भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी अगर कोई ज़रूरत हो तो हमें बताएं। तो दिल्ली के अंदर जो कोरोना से निपटने में हम लोग थोड़े थोड़े कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, उसमें ये जो हम लोग अपने कोरोना वॉरियर्स को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं, इसका भी एक अपना एक महत्व है। क्योंकि सभी कोरोना पे काम करने वाले कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को ये लगता है कि सरकार हमारा ख्याल रखेगी और वो बढ़ चढ़ के मेहनत कर रहे हैं। सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, सभी लोग बढ़ चढ़ के मेहनत कर रहे हैं पूरे देश में और कोई सरकार इस तरह से नहीं कर रही है, केवल दिल्ली सरकार मदद कर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय के अंदर हम कोरोना को और कम करने में कामयाब। सर, आज डीजल पे भी वैट कम कर दिया सरकार ने। ये दिल्ली सरकार एक आम आदमी की सरकार है, आम लोगों की सरकार है। आम आदमी की जिंदगी को हम जितना अच्छा कर सकें, जितना बेहतर कर सकें, हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है। तो अभी कोरोना के वक्त में काफ़ी महंगाई थी और डीजल और पेट्रोल ऐसी चीज़ है जिसके दाम कम करने से सारी चीज़ों पर असर पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इससे लोगों की ज़िंदगी पे महंगाई से जूझने में उनको थोड़ी मदद मिलेगी और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बूस्ट होगी। सर, आपने कहा है कि व्यापारियों से भी वर्चुअल चर्चा करेंगे, क्या समस्या अभी जैसे 5:30 बजे मेरी है दिल्ली के जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं, 28 इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, उनके साथ अभी मेरी जूम कॉल है, उनसे पूछेंगे कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। अब मैं चाहता हूं कि सब अपनी दुकानें खोलें, सब इंडस्ट्री खोलें, अपना कामकाज शुरू करें ताकि दिल्ली की इकोनॉमी अब आगे बढ़े। और लेकिन मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग करके सब एक्टिविटी शुरू करें।